नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखेड़े और आप देख रहे हैं news.com। स्वागत है आपका खबर दिनभर में। तो चलिए आपको दिखाते हैं हरियाणा और पंजाब की बड़ी खबरें। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस का। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु का स्वर्ण पदक बैडमिंटन इंडस्ट्री के लिए भी तोहफा। कारोबारी बोले शुक्रिया। लव जिहाद नहीं, लव है माय लॉर्ड, हिंदू संगठनों से हमें बचाओ। पंजाब पुलिस में नौकरी के लिए भटक रहे 79 खिलाड़ी, मंत्री ने दे दी मंजूरी। सीएम के पास अटकी फाइलें, पंजाब में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। बिजली दरों में 50% तक कटौती। पंजाब में 3 मंत्रियों ने मांगी माफी, पाक जाने की इजाजत। तो वहीं अजीबोगरीब फोन कॉल, हेलो प्लीज प्लीज मेरी मदद करें। तो वहीं शैक्षणिक योग्यताओं को झूठी जानकारी के आरोप पर मंत्री नरवीर बोले, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। हरियाणा में 42,000 कर्मचारी हड़ताल पर, पटरी से उतरे। पुलिस ने सीआईटी कर्मी पर टॉर्चर का आरोप। युवक ने चचेरे भाई ने पूर्व फौजी को कनपट्टी पर मारी गोली। आधे घंटे तक पिस्तौल लहराकर ग्रामीणों को धमकाया। अब खबरें विस्तार से। वर्ल्ड चैंपियन पीवी सिंधु का स्वर्ण पदक बैडमिंटन इंडस्ट्री के लिए भी तोहफा। कारोबारी बोले शुक्रिया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु की वजह से जालंधर की बैडमिंटन इंडस्ट्री चमक उठी है। खेल उद्योग कारोबारी बेहद उनको यकीन है कि अब व्यापार पर छाए मंदी के बादल दूर होंगे। व्यापारियों को पूरा यकीन है कि आने वाली सर्दी के मौसम में बैडमिंटन और शटल कॉक का कारोबार पूरी तरह से गर्म होगा। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लव जिहाद नहीं, लव है माय लॉर्ड, हिंदू संगठनों से हमें बचाओ। फिरोजपुर झिरका निवासी लड़की ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अपनी और अपने मुस्लिम पति की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि उनके प्यार को लव जिहाद का रंग दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जल्द इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब पुलिस में नौकरी के लिए भटक रहे 79 खिलाड़ी, मंत्री ने दे दी मंजूरी। सीएम के पास से अटकी फाइल। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर चुके 79 खिलाड़ी पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी बीते 3 साल से नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। मंगलवार को भी तय कार्यक्रम में ये खिलाड़ी राज्य के मुख्य सचिव और खेल मंत्री से मिलने सिविल सचिवालय पहुंचे, लेकिन उनकी मुलाकात ना तो खेल मंत्री से हो सकी और ना ही मुख्य सचिव से। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पंजाब में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली दरों में 50% तक कटौती। दरअसल किसानों, घरेलू और वाणिज्यिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोड बढ़ाने के लिए सेवा कनेक्शन शुल्क में लगभग 50% की कटौती का आदेश दिया है। इस संबंध में पंजाब राज्य विद्युत निगम को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें राज्य के किसानों को 150 करोड़ रुपए और घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 50 करोड़ रुपए की बड़ी राहत मिलेगी। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां 3 मंत्रियों ने मांगी पाक जाने की इजाजत। एचजीपीसी के समारोह में शिरकत करेंगे कैप्टन। पंजाब के 3 मंत्रियों ने फिर पाकिस्तान जाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी देने की अपील की है। ये मंत्री पाकिस्तान द्वारा उनके क्षेत्र में की जा रही करतारपुर कॉरिडोर की तैयारियों का जायजा लेना चाहते हैं। पाकिस्तान जाने की यह मांग मंगलवार को पंजाब के जेल और सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की है। उन्होंने केंद्र सरकार से आगामी 1 से 15 सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा करने की इजाजत मांगी है। रुक करते हैं हरियाणा का, जहां अजीबोगरीब फोन कॉल, हेलो प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरी शादी करा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आप पुलिस वाले हेल्पलाइन से बोल रहे हैं, मैं रोहतक से बोल रहा हूं, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, प्लीज करा दीजिए, मेरी जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। उक्त गुहार पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर तैनात पुलिसकर्मी से लगाई जा रही है। हेल्पलाइन नंबर पर हर दिन करीब 70 कॉल्स आती हैं और हर महीने 6 ऐसे मामलों में जुड़ी होती हैं। इस मदद के लिए तैनात पुलिस कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं। हालांकि पुलिस कर्मचारी की ओर से सुरक्षा संबंधित मदद दिलाने की बात कहकर कॉल कट कर दी जाती है। रुक करते अगली खबर का, जहां शैक्षणिक योग्यताओं की झूठी जानकारी के आरोप पर मंत्री राव नरवीर बोले, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश रची जा रही है। हरियाणा के मंत्री राव नरवीर द्वारा शैक्षणिक योग्यताओं की झूठी जानकारी देने के मामले में मंगलवार को राव नरवीर के वकील ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। इस पर हाईकोर्ट ने उन्हें 15 अक्टूबर तक लिखित जवाब देने दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता हरदिंग ढिंगरा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उन्होंने साल 2017 में मंत्री राव नरवीर की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। उन्होंने सूचना मिली कि प्रथम अपील दाखिल करनी पड़ी है। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां हरियाणा में 42,000 कर्मचारी हड़ताल पर, पटरी से उतरी व्यवस्था और बढ़ सकती है मुसीबतें। हरियाणा में शहर स्थानीय निकायों और ग्रामीणों सफाई कर्मियों की हड़ताल ने व्यवस्था को पटरी से उतार दिया है। दरअसल 32,000 निकाय कर्मचारी, 10,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी, 1,300 फायरमैन और ड्राइवर 3 दिन की हड़ताल पर रहेंगे।
मांगों को लेकर मंगलवार सुबह से इन कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। हड़ताल के कारण 10 नगर निगमों, 19 नगर परिषद और 57 नगर पालिकाओं में सफाई सीवरेज ग्रह कर वसूलने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, बुढ़ापे पेंशन सहित पब्लिक रिलिंग के कार्य प्रभावित रहे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पुलिस और सीआईटी कर्मी पर टॉर्चर का आरोप, युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। हांसी पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते 19 साल के एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। हजमपुर गांव निवासी 19 साल के अंकुश की आत्महत्या को लेकर परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर उसे टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चचेरे भाई ने पूर्व फौजी को कनपट्टी पर मारी गोली, आधे घंटे तक पिस्तौल लहराकर ग्रामीणों को धमकाया। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव रोहणगात में मंगलवार सुबह 8:15 की एक खबर है, जहां घर में घुसकर एक पूर्व सैनिक को उसी के चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी। घायल सैनिक को जब ग्रामीणों और परिजन गाड़ी से अस्पताल ले जाने लगे तो आरोपी युवक ने गाड़ी के टायर में गोली मारकर उसकी हवा निकाल दी। तो हरियाणा और पंजाब में आपने देखी अब तक की बड़ी खबरें। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए news.com और देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।